हाय एंड हेलो दिस रितेश वेलकम बैक टू द क्लास हो आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव संख्या का भाग देखिए कैसे आप जो डेसिमल वाला संख्या होता है दशमलव वाला संख्या उसको कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब क्लास हो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर है एट्टी नाइन पॉइंट सिक्स थ्री इसको डिवाइड करना है सेवन से तो इसको ऐसे यहाँ पे लिख दीजिए ठीक है ऐसे लिख दिए देखिए इसको हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं जैसे एट्टी नाइन पॉइंट सिक्स थ्री है बाई सेवन इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एट्टी नाइन पॉइंट सिक्स थ्री ये तीनों का मतलब सेम ही चीज़ है तो आप, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसका मतलब होता है इस संख्या को इस संख्या से भाग देना ठीक है तो कैसे डिवाइड करेंगे देखिए यहाँ पे एट है इससे बड़ी संख्या है तो वन बार में देंगे यहाँ पे तो कितनी बार में आएगा सेवन माइनस करना यहाँ पे हमेशा जो है ना छोटा संख्या लेना तभी हम लोग माइनस कर पाएंगे तो माइनस करेंगे तो वन आएगा अब यहाँ पे नाइन है ये वाला नाइन जो है यहाँ पे इसे उतार देंगे तो यहाँ हो गया नाइनटीन अब सेवन का टेबल पढ़ना है तो सेवन का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार में देंगे तो यहाँ पर टू बार में देंगे क्योंकि तीन बार में तो ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर हो गया फोर्टीन अब यहाँ पे क्या करना है माइनस तो इसमें से माइनस करेंगे नाइन में से फोर गया यहाँ पर फाइव और या वन में से वन गया ज़ीरो अब देखिए ये वाला सिक्स उतारने से पहले आपको ये जो डेसिमल है डेसिमल को हटाना होगा तो ये डेसिमल को हटा के आप यहाँ पे लिख दीजिए समझ में आ रहा है अब ये वाला जो सिक्स है ये वाला सिक्स यहाँ पर उतर जाएगा तो कितना हो गया ये हो गया एट बार में देंगे इसको सात आठ छप्पन ठीक है ना अब देखिए यहाँ पर आ गया जीरो जीरो अब ये थ्री है तो ये थ्री के बदले एक यहाँ पर ज़ीरो दे दीजिए आप ठीक है तो ये हो गया आपका आंसर इस तरह से हम लोग जो है डेसिमल वाला संख्या का भाग करते हैं चलिए एक और एग्जाम्पल से इसी वीडियो में समझते हैं ताकि आपका डाउट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए चलिए थोड़ा सा लेवल अप किए हम लोग क्वेश्चन नंबर टू में देखते हैं क्या है ये संख्या दिया हुआ है इसको डिवाइड करना है ट्वेल्व से तो यहां पे उसी तरह से लिखेंगे फोर टू सेवन दशमलव थ्री टू अब यहां पे टूवेल्व है ना इस ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे ठीक है देखिए कई बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि किस में से किसको डिवाइड करना है तो इस संख्या में से इससे डिवाइड करना है ये हो गया आपका भाजक और ये हो गया आपको भाज्य ठीक है इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लोग डिविडेंट और इसको बोलेंगे डिविजर समझ में आया देखिए यहाँ पर जो हम लोग अभी किए तो ये क्या हुआ ये हुआ कौशंट ठीक है इसको बोलते हैं भागफल इसको बोलते हैं शेष फल ठीक है समझ में आ रहा है आपको चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको कितनी बार में देंगे यहाँ पे है फोर्टी टू तो अगर हम लोग तीन बार में देते हैं तो दे सकते हैं चार बार में ज़्यादा हो जाएगा फोर्टी एट हो जाएगा तो तीन बार में यहाँ पे तीन लिखिए और बारह तीय कितना हो गया छत्तीस छत्तीस लिख दिए अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ट्वेल्व में से सिक्स गया सिक्स आया और यहाँ थ्री थ्री में से थ्री गया क्या जीरो हो गया क्लियर है अब ये सेवन हमको हम लोग यहाँ करेंगे यहाँ पर उतार देंगे अब हो गया ये सिक्सटी सेवन अब इसको कितनी बार में देंगे अब इसको देंगे हम लोग फाइव बार में समझ में आ रहा है अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है तो ट्वेल्व फाइव जहाँ कितना हो गया सिक्सटी अब यहाँ पे फिर माइनस तो यहाँ हो गया सेवन और ये सिक्स हो गया ज़ीरो अब ये वाला जो डेसिमल है ये डेसिमल को ये थ्री उतारने से पहले ये डेसिमल को हटाना होगा तो ये डेसिमल को हटा के आप यहाँ पे लिख दीजिए समझ में आ रहा है अब ये वाला थ्री को आप यहाँ पर उतार दीजिए तो कितने सिक्स बार में नहीं दे सकते हैं बारह छक बहत्तर हाँ दे सकते हैं बारह छः बहत्तर बार तो सिक्स बार में देंगे तो यहाँ हो गया सेवेंटी टू अब इसमें से माइनस करेंगे वन आया यहाँ जीरो आ गया अब क्या करना है अब ये वाला टू टू जो है यहाँ पर उतार सकते हैं हम लोग ठीक है ना अब कितनी बार में देंगे तो आसानी से हम लोग बोल सकते हैं वन बार में देंगे तो ये हो गया खत्म तो इस तरह से जो है ये हुआ आपका कितना ये हो गया आपको भागफल अब यहां पे लिख सकते हैं भागफल यानी कि क्वेश्चन और ये यहां पे तो रिमाइंड भागफल कितना आया जीरो आया सॉरी शेष शेष कितना आया यहां पे जीरो जिसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं ये हो गया भाज्य मतलब भाजक और ये हो गया भाज्य इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं डिविडेंट और इसको बोलते हैं डिविजर समझ में आया तो इस तरह से हम लोग दसमल्लब वाला भाग करते हैं अगर वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करना है शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ कॉमेंट करके बताइए अगर कोई डाउट हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गॉड ब्लेस यू ऑल